There was big disappointment in the men's javelin throw with Asian silver medalist Shivpal Singh, who has been very inconsistent this season, producing a day's best of 78.97 meters in the qualification round that saw him finish 10th in his group and 24 overall at the IAAF World Athletics Championships. Only the top 12 qualified for the final. Shivpal had produced a personal best of 86.23s earlier this year. Shivpal told us he would not repeat mistakes of the past and focus on qualifying for the Olympics. सर ट्रेनिंग तो अच्छी हुई थी वहाँ पे यूरोप में चार महीने से जितने भी कंपटीशन खेला तीन में छः कंपटीशन में तीन में 81-80 और तीन में कम लगी 77 मीटर तो बट लोड में सारे कंपटीशन थे उसमें उम्मीद थी कि अच्छा करने का मुझे भी लग रहा था कोच को भी लग रहा था कि मैं बेस्ट करूँगा इसमें बट पता नहीं क्या हुआ सर ज़्यादा मैं सीरियस हो गया इस कॉम्पिटिशन के लिए इस वजह से अभी जो भी ताकि ऐसा नहीं कि मेरा ही नहीं हुआ थॉमस रोल आप जानते होंगे वो जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो 94 मीटर लाए होंगे 93 पॉइंट कुछ उनका बेस्ट है वो वहाँ पे क्वालिफाई 79 मीटर लगा के चले गए और हुल्फमैन उन्होंने भी 92 मीटर लगा रखा है वो भी नहीं लगा पाए सो कॉम्पिटिशन है ऊपर डाउन अप डाउन तो चलता रहता है लेकिन इतनी कम की मुझे उम्मीद नहीं थी बट अब हो गया तो क्या कर सकते हैं लेकिन अभी आगे अच्छी तैयारी करेंगे ताकि अभी ओलंपिक्स भी आने वाले हैं एंड अभी मेरा वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स भी है एक हफ्ते बाद तो देखता हूँ सर पूरी कोशिश है उसमें बेस्ट देने की सर असल बात है चार महीने से हम लोग बाहर थे थोड़ा डाइट का भी वहाँ पे अब एकाएक सब चेंज हो जाता है तो बट ये कोई बड़ी बात नहीं है डाइट का तो थ्रो लगनी चाहिए थी ताकि ट्रेनिंग में लगी थी 85 मीटर और यहाँ कॉम्पिटिशन में भी लग रही थी बट 81-82 लोड में तो कहीं तो थ्रो कोई तो गलती हुई जिसकी वजह से थ्रो नहीं लगी वही हम समझ नहीं पा रहे टेक्निक में कोच बोल रहा है कि टेक्निक में थोड़ा जल्दी आगे चला जा रहा था मैं कोच बोल रहे थे और 95 मीटर रेंज से मैं थ्रो करता हूँ जैवलिन ज़्यादातर और उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे माइंड में कि मैंने नो डिक की जैवलिन उठा ली पहली थ्रो ऐसे ही 76 मीटर ख़राब हो गई फिर कोच ने बोला कि क्या कर रहा है 95 मीटर रेंज वाली उठा फिर उसके बाद 95 वाली तो 78 कुछ लगी 79 जो भी और तीसरी थ्रो तो बिल्कुल ही फाउल हो गई पहली थ्रो के बाद एंकल में भी मेरे पेन होने लगा था लेकिन इतना भी पेन था नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा थ्रो मैंने मूव वगैरह मारा और उसके बाद कोशिश करा ठीक है अभी देखते हैं अभी तो एंकल भी ठीक है कोच ने भी बोला अभी रेस्ट करना है दो तीन दिन उसके बाद ही सर ओलंपिक्स तो बहुत बड़ा गेम है सर मतलब वर्ल्ड चैम्पियंस जैसा ही गेम है सेम कॉम्पिटिटर वही रहने हैं तो हमारा पूरा कोशिश इस ओलंपिक पर ही पूरा फोकस रहेगा और अच्छी करेंगे सर मेहनत मेडल लाना है और अभी जो ये गलती इसमें की है नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं करेंगे एक बार मैं चूक चुका हूँ एशियन गेम्स में इंजरी को लेकर के और दोबारा इस कंपटीशन से जो होता है अच्छे के लिए होता है इससे भी कुछ सीखने को मिला ही है मुझे इस बात की खुशी है लेकिन थ्रो नहीं लगा और मुझसे सबसे ज़्यादा होप था सबको ही होप था मेरे घर वालों को मेरे दोस्तों को मतलब आप लोगों को भी मेरे दोस्त जितने में सबको ही होप था कि मैं अच्छा करूँगा बट कोई नहीं सर इस बार जो गलती हुई दोबारा नहीं करेंगे बिल्कुल सर 85 तो लगी जानी उसका मुझे कोई डाउट नहीं है और क्वालिफाई का क्या है सर कि 32 लोग ओलंपिक्स खेलेंगे रैंकिंग जो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से हैं और अभी मेरी रैंकिंग 12 नंबर पे है तो वैसे भी मेरा तो है ही खेलने का अगर मैं 81-82 मीटर करता रहूं जब भी मेरा ओलंपिक्स में तो है ही लेकिन मेन फोकस तो है कि अगर बढ़िया थ्रो लगाना है वहाँ पे मेडल की सोचना है क्वालिफाई करके भी कोई मतलब नहीं है अगर वहाँ क्वालिफाई करके जाके कुछ नहीं करते तो क्या फ़ायदा फिर क्वालिफाई करने से नहीं ईजी तो नहीं लगता सर 85 इतना ईजी भी नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर 85 के लिए तो और कर रहे हैं सर कोशिश अभी तो करना है अच्छा करना है सर अभी तो ओपन नेशनल है दो दिन बाद आपको पता है लेकिन मेरे अंकल में पेन है और अभी थोड़ा मैं अपसेट भी चल रहा हूँ अपने इस कॉम्पिटिशन को लेकर के तो मैं अभी अवॉइड ही करूँगा ये कॉम्पिटिशन वर्ल्ड मिलिट्री पर ही है कि अगर फिट फील हुआ तो मैं वर्ल्ड मिलिट्री खेलूँगा और उसके बाद कोच ने जैसा डिसाइड करेंगे हम लोग कोच जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे एंकल इंजरी कोई बड़ी नहीं है सर ये थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है तो ये ठीक हो जाएगा दो चार दिन रेस्ट में अभी पहले से बहुत बेटर है वेदर बोल सकते हैं सर लेकिन वेदर कोई वो नहीं था कि उससे एक दिन पहले जो मैंने थ्रो सेशन लगाया था वो बहुत ही बढ़िया फील हुआ था और कोच ने उस सेशन को देख के बोला था कि बेस्ट करोगे मैं श्योर हूँ मुझे भी था कि बेस्ट करूँगा ताकि कोच बोला बहुत ज़्यादा शार्पनेस है रनवे में एंड बहुत अच्छी टेक्निक भी हो रही है और बट कंपटीशन में रिजल्ट देख के कोच को भी शौक है मैं बहुत ज़्यादा इससे वो हूँ कि
कैसे हुआ है, लेकिन कोई नहीं सर, हार जीत तो लगी रहती है और देखते हैं आगे। अभी तो नहीं सर, अभी तो मैं इंडिया में ही ट्रेनिंग करना चाहूँगा, बिकॉज मैं 2016 में भी 80 मीटर ला गया था, 83 मीटर ओलंपिक क्वालिफाई थी, और उस समय मैं 80 मीटर इंडिया में लगा गया था दो कंपटीशन में, 79, 77, 79, 37, एक वीक में तीन कंपटीशन खेला था, तीनों में एक वीक में ही लगाया। तो उस समय भी मेरे में कैपेसिटी थी कि मैं ओलंपिक खेलूँ 83-84 मीटर की, मगर मैं यूरोप में गया उसके बाद सीधा एक हफ्ते बाद कॉम्पिटिशन में 72 लगा। पहली बार मैं गया था यूरोप में और पहला कॉम्पिटिशन था मेरा 2016 में, और उसके बाद अभी 86-23 लगा गया था मैं, और पहले कंपटीशन में डायमंड लीग में 80.87 लगाया था। तो कहीं ना कहीं तो है सर, जो बाहर जाके डाउन हो रहे हैं कुछ तो है। सो अभी तो मैं इंडिया में रह करूँगा ट्रेनिंग, जब तक मैं अच्छी थ्रो नहीं करता हूँ 2-3 महीने, उसके बाद कोच ने प्लान किया जनवरी फरवरी में जाने का साउथ अफ्रीका, तो देखते हैं सर जब साउथ अफ्रीका का, तो अभी तो फोकस करना है सर यहीं इंडिया में रह कर तैयारी करनी है और अच्छी थ्रो एक बार रिपीट करनी है 88-89 मीटर, उसके बाद तो आगे। नहीं सर, इससे बहुत खुशी लगती है, लोग अगर मैसेज करते हैं बोलते हैं तो कब पढ़ते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, कोई हमें भी जानने वाला, सभी लोग क्रिकेटर्स कोई नहीं वो करते हैं, हम लोगों को भी करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बात का ये भी है कि अगर थ्रो नहीं लगती तो दुख भी इतना ही होता है कि इतने लोग मेरे से एक्सेप्ट कर रहे थे और मैंने नहीं किया, अगर पहले नहीं करते थे तो वो नहीं होता था, लेकिन अगर अब नहीं करते हैं तो लगता है।